शकल दिखा दे इसकी। आ जा ये ले पाता हूँ। तो तुम गालियां दे रहे हो इधर खड़े होके। अरे यही गाली दे रहा था बे ये वाला। लेकिन ये गलत बात है ना यार। तो केड़े थाने से सेटिंग है तुम्हारी? कुछ तो पता ही होगा कौन से थाने में तुम कहते पैसे देते हो। पूरा सुंदरनगर में भी उसी का काम है ना। किधर काम है? ट्राई सिटी में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। शराब के काले कारोबार का मकड़ जाल बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस काले कारोबार पर नकेल कसने में हाईटेक पुलिस असमर्थ नजर आ रही है। ताजा मामला चंडीगढ़ और जीरकपुर को जोड़ने वाली टेक्निकल एयरपोर्ट लाइट पॉइंट पर कटे हुए पेड़ों के बीचों बीच का है, जहां पर अवैध शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है। ये काला कारोबार पंजाब के स्ट्रीट क्राइम टीम के कैमरे में कैद हुआ, और ये कोई पहली बार नहीं है जब पंजाब के स्ट्रीट की टीम ने शराब के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया हो। पहले भी टीम ने शराब के काले कारोबार को उजागर किया था, जिसके बाद थाना मौली जागरा की पुलिस हरकत में भी आई थी और मामला भी दर्ज किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये शराब का काला कारोबार ज्यों का त्यों ही बना हुआ है और बढ़ता जा रहा है। वो केड़े थाने से सेटिंग है तुम्हारी? है तू माल बेच रहा, तेनू इन्ना नहीं पता? मैं तो बस यार काम करता हूं। कुछ तो पता ही होगा कौन से थाने में तुम कहते पैसे देते हो। दीपू का काम है ये? राम दरबार वाले का? दीपू राम दरबार वाले का है, जानता वाला। सुंदरनगर में भी उसी का काम है ना? किधर काम है? तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सरेआम या अवैध शराब बेची जा रही है, और इन काले कारोबारियों की आंखों में ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कैमरे का डर। ये बेझिझक होकर धड़ल्ले से अवैध शराब बेच रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जो शराब ठेकों पर 500 रुपए में मिलती है, ये अवैध कारोबारी इसे 300 रुपए में बेचते हैं। वहीं ये सस्ती शराब असली है या नकली, इस बारे में भी कोई कुछ नहीं कह सकता। भाई बता रहा हूँ शकल दिखा दे इसकी। ये ले पाता हूँ। तो तुम गालियां दे रहे हो इधर खड़े होके। फोन ना लगा, तू लड़ नहीं रहते भाई यार। किस तरह का और कौन तीसरा कौन है? अरे यही गाली दे रहा था बे बस ये वाला। लेकिन ये गलत बात है ना यार। किसी गाली यार भाई, सॉरी बोल रहा मैं, इसकी बहन आई, मैंने दीदी बोल रहा। वहीं दूसरी ओर ये बढ़ता हुआ शराब का काला कारोबार पुलिस की कार्रवाई पर भी कई सवाल या निशान खड़े करता है, क्योंकि ये काला कारोबार किसी से छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस इस पर नकेल कसने में असमर्थ है, जिसके चलते पुलिस पर भी मिलीभगत के आरोप लगते आए हैं। क्योंकि जिस जगह शराब बेचने का ये काला कारोबार चल रहा था, उससे कुछ कदमों की दूरी पर ही मौली जागरा थाने में लगने वाले रायपुर खुर्द का बीट बॉक्स है, जहां पर हर वक्त पुलिस कर्मचारी तैनात रहते हैं। तो आखिर कैसे ये काले कारोबारी पुलिस की नज़र से बच जाते हैं? ऐसे ही कई सवाल हैं जो कि इन काले कारोबारियों के बेखौफ इरादों और पुलिस की अनदेखी की गवाही दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक इन काले कारोबारियों पर शिकंजा कस पाती है, या फिर ये अवैध शराब का धंधा यूं ही बढ़ता रहेगा। पंजाब के सी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।